हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं खड़ी हूँ हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर। हरिद्वार, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। हरिद्वार में ज़्यादातर लोग यहाँ पर जून की छुट्टियों में बहुत आते हैं, और अगर आप लोग जून की छुट्टियों में आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ज़रा सा सोच समझ कर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम में रश है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, गर्मी की, तो जिसे हम कहते हैं बहुत ही भीषण गर्मी है, वो आपको यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलेगा। सो इसीलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं जून में हरिद्वार आने का, तो ज़रा सा सोच समझ कर आइएगा। लेकिन एक बात और, जितनी भी यहाँ पर गर्मी है, वो सब, जितनी भी यहाँ पर थकान है, वो सब सिर्फ और सिर्फ गंगा मैया में स्नान करने से ही उतर जाती है। मतलब इतना रिलीफ मिलता है आपको, सच में, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि गर्मी है। इतना ठंडा शीतल पानी वहाँ का कि सब भूल जाएंगे। लेकिन बाद में आना तो इसी भीषण गर्मी में ही है स्टेशन तक। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ स्टेशन के अंदर, और जिस ट्रेन पे मैं ट्रेवल करने वाली हूँ उसको तो आपने थंबनेल से पहचान ही लिया होगा, जिसका नंबर है 12053 और जिसका नाम है हरिद्वार अमृतसर जनशताब्दी स्पेशल एक्सप्रेस, जो कि चलती है हरिद्वार से अमृतसर तक। लेकिन मैं ट्रेवल करने वाली हूँ अम्बाला कैंट तक। इंडिया में जो भी जनशताब्दी चलती है उसके 27 पेयर्स है, लेकिन जिस जनशताब्दी पे आज मैं ट्रेवल करने वाली हूँ वो कुछ स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? क्योंकि अगर मैं उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन कोचेस दिखाऊं, 8 कोचेस है, 7 कोचेस जो है वो है सेकंड सिटिंग, एक ही कोच ऐसा है जो कि एसी चेयर कार, और मैं ट्रेवल करने वाली हूँ आज एसी चेयर कार में। रीज़न आपको पता ही है कि बहुत एक्सट्रीमली गर्मी है, एंड मैं ट्रेवल करने वाली हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो इसीलिए प्रेफर किया हमने कि हम एसी कोच में ही ट्रेवल करें आज। फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके कोचेस के बारे में बताया जो कि बहुत ही स्पेशल है, और इसीलिए ये इंडिया की स्मॉलेस्ट जनशताब्दी भी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ रश कितना ज़्यादा है, मतलब एक्सट्रीम में भरा पड़ा है। और अगर बाहर भी आपने एंट्रेंस में देखा होगा तो वो भी पूरा क्राउडेड था, मतलब इतना एक्सट्रीम में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम ट्रेवल करने वाले हैं इंडिया की स्मॉलेस्ट जनशताब्दी में, जो कि हरिद्वार से चलेगी 2:45 पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है, बहुत ही खचाखच भरा हुआ है ये। और अगर मैं आपको दिखाऊँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 का हाल, माय गुडनेस, मतलब इतना क्राउड। और आप देख सकते हैं कि उस साइड भी लोग जो है वो ट्रेन का वेट कर रहे हैं। इस साइड तो है ही है प्लेटफॉर्म पर, तो जो ट्रेन आने वाली है आई थिंक से वो गंगानगर एक्सप्रेस है। फ्रेंड्स, आपने हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव तो देख ही लिया होगा, जो कि है VAP 7 तुगलकाबाद शेड का। बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है लोगों के बीच में। तो चलिए, हम लोगों को पहले उतरने देते हैं और उसके बाद ही हम अपनी ट्रेन में बोर्ड करेंगे, और उसके बाद मैं आपको इस ट्रेन का इंटीरियर दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए मैं आपको इस ट्रेन का इंटीरियर भी दिखा देती हूँ। ओह
हो एसी चल रहा है, अब लग रहा है कि सच में थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीट्स है बहुत ही कंफर्टेबल है, सोफा टाइप सीट्स यहाँ पे दी हुई है, कर्टेन है और ऊपर सामान रखने के लिए है, लाइट्स दी हुई है, फैंस भी आप देख सकते हैं वर्किंग है, एसी ऑन है या ऑफ है कुछ पता नहीं चल रहा अभी, वैसे तो ऑन है लेकिन इतनी रश में मतलब अभी तक बाहर से एकदम से आए हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा। अगर आप सीट के बीच में स्पेस देखेंगे फुटरेस्ट वगैरह का तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स मैंने स्टेशन में से यहाँ से कुछ खाने के लिए लिया, मैंने लिया है यहाँ से एक लाहौरी जीरा, एक नहीं मतलब काफ़ी समोसे लिए हैं बिकॉज मैं ट्रेवल कर रही हूँ फैमिली के साथ, समोसे और साथ में मैंने लिया है बर्गर। तो चलिए आइए टेस्ट करते हैं और रिव्यू देते हैं इसका कि खाने में ये कैसा है। नॉट बैड, ये समोसा मुझे 10 रुपीज़ का मिला है स्टेशन से, बट इट इज़ गुड, थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को बहुत अच्छा है। एंड हमारी ट्रेन के डिपार्चर का भी टाइम हो चुका है तो चलिए आइए मैं आपको इसका डिपार्चर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अगर मैं गर्मी की बात करूँ तो हरिद्वार में बहुत ही मतलब भयंकर भीषण वाली गर्मी थी और लाइक हम 5 मेंबर्स ट्रेवल कर रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर में मतलब हमें हर 15 मिनट बाद पानी की बॉटल्स लेनी पड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि हम एक एक करके ले रहे थे, 3-4 बॉटल्स हम इकट्ठे ही ले रहे थे और उसके बाद भी 10 मिनट बाद देखो तो बॉटल गायब, मतलब बॉटल खाली। तो इतना मतलब पानी कंज्यूम होता है इतनी गर्मियों में, तो इट इज़ मस्ट कि आप जब भी ऐसी जून के मौसम में प्लान बना रहे हैं गर्म एरिया में जाने का तो पानी का पूरा ध्यान रखें, पानी थोड़ी थोड़ी देर में कंज्यूम करते रहे अदरवाइज़ बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, जिससे मैंने देखा है कि लोग फेंट भी हो रहे थे, बेहोश भी हो रहे थे गर्मी के कारण। फ्रेंड्स मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग जो है चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं या फिर चलती हुई ट्रेन में से उतर जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दुर्घटनाओं को देखने को मिलता है। हमें ऐसा लगता तो है देखो कि ट्रेन की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, हम इजीली चढ़ या उतर जाएंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ कभी भी इसको हल्के में मत लीजिए कि अगर हम चलती हुई ट्रेन से मतलब उतर रहे हैं या फिर चढ़ रहे हैं तो हम ईज़िली ये कर सकते हैं, ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। फ्रेंड्स तो आप यहाँ देख सकते हैं सोलर प्लांट, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपने व्लॉग में,
अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे रही हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। और अब आप ये कर रहे हैं गंगा नदी के दर्शन। तो गंगा नदी के दर्शन करते करते हम पहुँच चुके हैं रुड़की के स्टेशन पर। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं रुड़की के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ हमारी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकेगी। उत्तराखंड के जाने माने और बड़े स्टेशनों में से एक है रुड़की। आपने IIT के बारे में तो सुना ही होगा। भारत के मशहूर IIT में से एक नाम IIT रुड़की का भी है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर जंक्शन के स्टेशन पर। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स है। अभी हमारी ट्रेन 6 प्लेटफॉर्म पर रुकी है एंड इसका स्टेशन कोड है SRE। यहाँ पे इसका जो हॉल्ट है वो 5 मिनट्स का ही है और इसने पूरे टाइम पर पहुँचाया है। फ्रेंड्स, सहारनपुर जो है बहुत ही फेमस है शुगर केन के लिए, मतलब गन्ने के लिए। यहाँ पे शुगर की इंडस्ट्रीज़ है और गुड़ की बहुत फेमस है यहाँ का। और अगर आप यहाँ आते हैं तो मैंगो ज़रूर खाना गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि यहाँ के मैंगोज़ की स्पेशलिटी है। फ्रेंड्स, सहारनपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है मुरादाबाद की तरफ, एक अम्बाला कैंट की तरफ और एक मेरठ की तरफ। फ्रेंड्स, अगर मैं कूलिंग की बात करूँ तो आई गिव 10/10 बिकॉज कूलिंग बहुत अच्छी है। इस ट्रेन में ICS कोचेस है तो जो स्पीड है इसकी मैक्सिमम 100, मतलब नियर अबाउट 100 के आसपास ही है। एंड थर्ड, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पेंट्री सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो अगर आपको कुछ भी खाने पीने के लिए मंगवाना है तो आप इजीली ऑर्डर दे सकते हैं। ऑब्वियसली पेड है, पास्ता, कटलेट्स, मतलब जो भी मंचूरियन, जो भी आपको चाहिए, चौमिन भी अवेलेबल है। सो दे आर प्रोवाइडिंग यू, बट येस ऑब्वियसली दे आर चार्जिंग मनी फॉर दैट। पैसे तो दे रहे हैं बट सर्विसेज ट्रेन में आपको सारी चीज़ें, चिप्स बिस्किट्स पानी सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। सो आई एम जस्ट इन्जॉइंग दिस ट्रैवलिंग एंड आई होप यू आर ऑल्सो इन्जॉइंग इट। सहारनपुर के आम और केले दोनों ही बहुत मशहूर है, तो
जब भी आप आए इनका लुत्फ अवश्य उठाएं। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम अम्बाला कैंट के स्टेशन पर। सॉरी मैं आपको अम्बाला कैंट का अराइवल नहीं दिखा पाई, रीज़न बीइंग बहुत रश था गेट पर और इसलिए मैं आपको अराइवल नहीं दिखा पाई, तो उसके लिए आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे नेक्स्ट ब्लॉग तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे।